हेलो जी, क्या आप दूसरे सियाती मकामात बार बार विजिट करके बार बार ट्रिप मार के बोर हो गए उनसे? क्या आप एक नई जगह विजिट करना चाहते हैं? तो आप वजीरिस्तान की तरफ आएँ। यह है वजीरिस्तान। फाटका के पीके में जम होने से पहले वजीरिस्तान फाटा की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी एजेंसी थी और वजीरिस्तान अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से सयाहों का दिल जीत रही है। लेकिन एक नए मकाम पर सयाहों को जाने के लिए कुछ मुश्किलात होती हैं, कुछ सवालात होते हैं, जैसे कि वजीरिस्तान कैसे जाएं, वहाँ कैसे रहें, वहाँ कौन कौन सी जगह देखें। ये सारी मालूमात मैं आपको इस वीडियो में बता देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक इंतहाई गौर से देखें। और अगर इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। वजीरिस्तान पहुँचने के लिए सबसे पहला कदम जो आपको लेना पड़ेगा वो ये है, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से उठकर डेरा इस्माइल खान शहर में आ जाएं, क्योंकि डेरा इस्माइल खान शहर से वजीरिस्तान का रास्ता 150 से लेकर 200 किलोमीटर के दरमियान है। डेरा इस्माइल खान से वजीरिस्तान आप तीन तरीकों से जा सकते हैं। अपनी गाड़ी हो तो अच्छा है, आपके पास बाइक हो बेहतर ऑप्शन है। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेनी। डेरा इस्माइल खान में टांग अड्डे से वजीरिस्तान के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट भी जाती है। डेरा इस्माइल खान से मकीन शहर पहुँचे जो कि 180 किलोमीटर है। मकीन वजीरिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी वजह से मकीन को सदर मकीन भी कहा जाता है, जहाँ पे टूरिस्ट के लिए वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो उसको दरकार होती हैं। अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं मुझसे, क्या मैं पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पंजाब सिंध बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्या मैं वजीरिस्तान जा सकता हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल वजीरिस्तान आ सकते हैं। जिस तरह किसी दूसरे सियाती मकाम नारान का नार्थ पाकिस्तान की तरफ आप जा सकते हैं, आप वजीरिस्तान भी आ सकते हैं, बस अपना शनाख्ती कार्ड अपने पास रखें। मकीन पहुँच कर अगर आपके पास टाइम हो तो आप मकीन के आसपास के मकाम विजिट कर लें, जैसे कि सबसे पहले परियाटाई, इसके बाद मरूबी, इसके बाद तौदा चना, और इसके बाद आप आ जाएं वापस मकीन बाज़ार में और यहाँ पर आके रहने का बंदोबस्त कर लें। और यहाँ पर रहने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, पहला थोड़ा सा एक्सपेंसिव और थोड़ा सा लग्जरी, यानी कि मकीन मार्केट में आप अपना पर्सनल रूम ले लें, 1500 से लेके 3000 के दरमियान आपको मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सस्ते में रहना चाहते हैं तो आप किसी भी होटल, किसी भी ढाबे को आपको चारपाई या रात गुजारने की जगह मिल जाएगी, जो कि तकरीबन 200 से लेके 500 के दरमियान आपको पड़ेगी। रहने के बाद खाने पर आते हैं। मकीन मार्केट में आपको खाना पीना सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मिलेगा। और खाने पीने भी आपके पास दो ऑप्शन हैं, अगर आप ऑर्डर पर खाना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा महंगा खाना खाना चाहते हैं तो भी मकीन मार्केट में आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप सादा खाना चाहते हैं और थोड़ा सा सस्ता खाना खाना चाहते हैं वो भी किसी भी ढाबे और किसी भी छोटे होटल से आपको आराम से मिल जाएगा। आराम से सो जाएं और ये सोचें कि सुबह आपने वजीरिस्तान के कौन से इलाके देखने हैं और कौन सी तरफ आपने जाना है। वैसे तो वजीरिस्तान में बहुत सारे इलाके हैं, लेकिन चंद एक जो टूरिस्ट को ज़रूर देखने चाहिए वो ये हैं, रजमक, शवाल, मकीन, साम, लदा, तंगी बदिनजई, कनीगुरम, बदर, शकई और अंगूरडा। मकीन के शुमाल में दो इलाके आते हैं, रजमक और शवाल। रजमक तक रोड, मकीन से लेकर रजमक तक का जो रोड है वो बेहतरीन है, उसकी हालत बिल्कुल अच्छी है। आपके पास अगर अपनी पर्सनल गाड़ी है तो आप उसमें आराम से रजमक तक जा सकते हैं। रजमक में जाकर आप चंद मकामात विजिट कर सकते हैं, यानी कि रजमक व्यू पॉइंट जो सबसे पहले कैडेट कॉलेज के बाद आता है, उसके बाद आप रजमक बाज़ार में जाकर रिफ्रेशमेंट कर लें, यहाँ के पकौड़े खाएं या चाय पी लें, इसके बाद आप रजमक एयरपोर्ट की तरफ जाएं और यकीन करें आपको ये मेडोज बहुत पसंद आ जाएंगे, और इसके बाद आप रजमक में डांगिन की तरफ चले जाएं। रजमक विजिट करने के बाद अपनी गाड़ी का रुख जो है शवाल की तरफ करें। मकीन से शवाल में पट ज्यारा तक का जो रोड रास्ता है वो बिल्कुल ब्लैक टॉप रोड है, 28 किलोमीटर का रास्ता, अपनी गाड़ी में आराम से जा सकते हैं। अगर आपने पट ज्यारा से आके मेन शवाल तक जाना है तो अगर आपके पास 4x4 गाड़ी नहीं है या जी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपनी पर्सनल गाड़ी में मत जाएं। शवाल तक की लोकल गाड़ी आपको मकीन से 4 से लेकर 6 हज़ार के दरमियान मिलेगी, डिपेंड करता है कि वो गाड़ी किस तरह की है। ये गाड़ी आपको शवाल तक ले जाएगी और वापस भी ले आएगी और सारा दिन आपके साथ गुजारेगी। शवाल में सबसे पहले पट ज्यारत और इसके आगे चंद मकामात और आखिर में पंगई गांव तक आप आराम से विजिट कर सकते हैं। और ऐसे ही विजिट करते करते आपका सारा दिन यहाँ पे गुजर जाएगा और फिर वापस आकर मकीन में आप रात गुजारें, आराम से सो जाएं और अगले दिन मकीन की जनूब की तरफ निकल जाएं। चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ।
मकीन से जनूब की तरफ बहुत सारे इलाके हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, आपने कितने दिनों का प्लान किया है कि आपने कितने दिनों वजीरिस्तान में रहना है। मकीन से जाते हुए सबसे पहले रोड के दाएं जनब सबसे पहला इलाका आता है, उसका नाम है तंगी बदिनजाई। आप बाइक या ऊंची गाड़ी में वहाँ जा सकते हैं। 30 मिनट के रास्ते के बाद आप तंगी बदिनजाई गाँव में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप तंगी बदिनजाई का गाँव विजिट कर सकते हैं और 1 घंटे के सफ़र के बाद आप तंगी बदिनजाई से आगे एक लाड़ीमाई गाँव आता है, उसको विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप तंगी बदिनजाई से आगे आएंगे, सबसे पहला जो इलाका आता है वो आता है लद्दाख का। 5 से 6 किलोमीटर का इलाका है और लद्दाख का सारा जो इलाका है आप बाई रोड देख सकते हैं, रोड से आपको सारा नज़र आएगा। अगर आपने कहीं पे उतरने तो आप उतर के छोटे छोटे गांव में भी जाके देख सकते हैं। लद्दाख के बाद फौरन शाम आता है। शाम के इलाके में सबसे पहले ये वाला मकाम आता है, इंतहाई खूबसूरत पहाड़ और इसके दरमियान ये प्यारा किस्म का रोड जो कि 1 या 2 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसे आगे सीधा शाम का मार्केट आता है, वहाँ पे आप खाना पीना या रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। रिफ्रेशमेंट और खाना पीने के बाद आप सीधा चले जाएँ कानीगोरम की तरफ और कानीगोरम विजिट कर लें, और कानीगोरम में दिन गुजारने के बाद आप वापस रात को आ जाएँ मकीन की तरफ और आराम से सो जाएँ। और अगले दिन का प्लान मैं आपको बताता हूँ। तीसरे दिन सुबह सवेरे उठकर आप सीधा जनूब मकीन से जनूब की तरफ बदर किला की तरफ आ जाएं और ये सोच कर जाएं कि आपका पूरा का पूरा दिन बदर के अंदर ही गुजरेगा। और मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास 4x4 गाड़ी नहीं है या अगर आपके पास बाइक नहीं है तो आप अपनी गाड़ी पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। वादी बदर में सबसे पहले सलवेश्ताई का मुकाम आता है। बदर इतना प्यारा इलाका है कि आपका हर जगह दिल करेगा कि आप उतर के देख लें, लेकिन आपके पास टाइम की कमी होगी इसलिए चंद ज़रूरी मकाम मैं आपको बता दूँ। सलवेश्ताई मेडोज, इसके बाद सीनातीजा पर जाएं आप, और उसके बाद फ़कीराई सुरूय आता है, वहाँ पे आप रिफ़्रेशमेंट भी ले सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे कि कड़ाई सुरूय आएगा और इसका गांव आएगा, और उसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे जावार का इलाका आएगा, और जावार से आगे जाएंगे मानतुई का इलाका आएगा। ये एक ख़ास मकाम विज़िट करने के बाद आपका दिन आराम से गुजर जाएगा और आप वापस आके रात गुजार लें। नाते गुजारने के बाद 14 दिन आप पे डिपेंड करता है। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आप वापस जा सकते हैं, या अगर आपने 14 दिन भी वजीरिस्तान का विजिट करना है तो आप जनूब की तरफ जाएं शकई वैली में। शकई वैली भी आप विजिट कर लेंगे। वहाँ पे 2 और इलाके हैं, स्लेर और मसाड़दीना का इलाका। वहाँ पे विजिट करके रात को शकई से 25 किलोमीटर दूर वाना का इलाका आता है, वहाँ पे चले जाएं जो कि एक बहुत बड़ा शहर है, और रात वहीं पर गुजारें। वाना में रात गुजारने के बाद अगर आपका मूड है मजीद विजिट करने का तो भी आपको इलाके बता देता हूँ, अगर आपका मूड नहीं भी है तो भी आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। और अगर आपका मूड है तो आप वाना से शोलाम्स, मरगाचना और अंगूराडा की तरफ जा सकते हैं, और इसका रास्ता ब्लैक टॉप रोड है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। आपके पास कोई भी सवारी हो, कोई भी गाड़ी हो, आप आराम से इस पर जा सकते हैं। और अगर आपका मूड नहीं है जाने का,
और आप वापस जा रहे हैं डेरा इस्माइल खान की तरफ, तो भी रास्ते में आप दो मकामात विजिट कर सकते हैं, गुमलजाम डैम और इससे पहले स्पिन डैम आता है, ये देख के आप वापस डेरा इस्माइल खान जा सकते हैं। गाइड खत्म करने के बाद सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, और ये शायद वही बातें हैं जो कि आपके पाकिस्तान के किसी भी सियाहती मकाम में आपको ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जहाँ पे घर में, खेत में, कहीं भी आपको औरत नज़र आ जाए, आप अपने पिक्चर नहीं बनानी ना ही वीडियो बनानी है, क्योंकि पश्तून लोग जो है ना औरतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, पर्दे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ पे आपने खुलेआम ड्रोन नहीं उड़ाना, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये है ना कि यहाँ पे आर्मी के बड़े बहुत ज़्यादा चेक पोस्ट हैं, आप नहीं उड़ा सकते सिक्योरिटी की वजह से। दूसरी बात, लोग पसंद नहीं करते कि उनके घर के ऊपर ड्रोन उड़ा दिया जाए, इसलिए जब भी ड्रोन उड़ाएं या वीडियो कैप्चर करें, आप आसपास अगर कोई घर हो पहले परमिशन लें फिर उड़ाएं। उम्मीद है आपको ये गाइड बिल्कुल पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया या कोई और मजीद सवाल हैं आपके जहन में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।